इलेक्शन 2017 तमाम पार्टियों की निगाह में है और इसी पर अमित शाह भी निकले हुए हैं। यूपीए सरकार घोटालों की शर्का सरकार थी, ऐसा अमित शाह ने आरोप लगाया। मजदूर दलित वंचितों के लिए सरकार काम कर रही है, यूपी का अभी तक विकास नहीं हो पाया। यूपी सरकार राजनीतिक रोड़े डालने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए यूपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। मनरेगा के पैसे का नकारात्मक इस्तेमाल किया गया। कई योजनाओं का पैसा उत्तर प्रदेश सरकार खर्च नहीं कर पाई और केंद्र की तमाम योजनाओं को एसपी सरकार ने रोक रखा है। अलावा इसके एसपी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। एसपी डीएसपी की सांठगांठ का भी अमित शाह ने आरोप लगाया और ये कह दिया कि इन दोनों के गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से लूटा है। मथुरा की घटना देश के लिए चिंता का सबब है और सपा सरकार से ज्यादा असंवेदनशील और कोई सरकार नहीं है। खुलेआम जमीनों पर सपा के गुंडे और नेता कब्जा कर रहे हैं। अखिलेश सरकार में जमीन पर अवैध कब्जे बढ़े हैं और मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, ये भी बात अमित शाह कहते हुए नजर आए। इसके अलावा आगे बढ़ते उन्होंने ये भी कह दिया कि एसपी बीएसपी ने राजनीतिक रूप से कई मुकदमे ला दे। सीएम के चेहरे पर भी बात हुई तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है, जैसे ही फैसला होगा आपको खबर की जाएगी। और बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान ज्यादा सुरक्षित है, तो तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने एसपी सरकार को घेरने की कोशिश की और लगे हाथ बीएसपी पर भी निशाना साधा और राम मंदिर के मुद्दे पर कह दिया कि ये हमारे एजेंडे में है और रहेगा। और ये भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार है मित्रों, समाजवादी पार्टी की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार से डूबी है। छात्रवृत्ति में घोटाला हुआ है, आदव सिंह का मामला आप सबको मालूम ही है, सपा हो या बसपा सारे का कच्चा चिट्ठा आदव सिंह के केस के अंदर निकला है। घोटालों की जांच करने में भी ये सरकार लिपापोती कर रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सत्ता पर आई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि बसपा की सरकार ने अगर भ्रष्टाचार किया था तो 5 साल समाप्त होने को आए श्रीमान अखिलेश जी किसी पर क्यों कार्यवाही नहीं हुई? ये साठ गांठ है दोनों पार्टियों की। बसपा जब सत्ता पर आती है सपा के गुंडों को छोड़ती है और सपा जब सत्ता पर आती है बसपा के भ्रष्टाचारियों को छोड़ती है। मित्रों, इस सरकार ने केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को अखिलेश सरकार ने रोक कर रखा है। इसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता को फायदा होना चाहिए था केंद्र की सरकार की योजनाओं का, चाहे वो धन जन हो, चाहे मुद्रा बैंक योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, इस सारी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचा है।